हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरदविंदर। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्क्रैच में आप मेज़ गेम कैसे बना सकते हैं आप स्क्रैच में, तो उसके बारे में सीखेंगे। मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं कि कैसे मैंने एक गेम बना के रखी हुई है आपके लिए, तो उसका डेमो दिखा देते हैं आपको, उसके बाद इसको खुद कैसे बनाना है ये सीखेंगे। तो जैसे ही मैंने एक फ्लैग पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये गेम चल पड़ती है, और चलने के बाद अगर ये ब्लैक लाइन्स को टच कर रही है तो ये कैट है ना स्प्राइट, ये मूव नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने, तो ये आपकी गेम है, ये बनानी कैसे है जी हम सीखेंगे। पहले इसका एक बार पूरा डेमो देख लो कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा ये टारगेट है कि हमने ये गेम खुद बनानी है स्क्रैच में प्रोग्रामिंग करते हुए। तो एक बार डेमो देख लीजिए आप, ये ऐसे पहुँचना है इस कैट ने अपने टारगेट पे, और जैसे ही पहुंचती है तो ये अपनी खुशी जाहिर करती है, हुर्रा आई एम रीच्ड। तो ये हमारा टारगेट है। तो बनाना कैसे है शुरू करते हैं। नया प्रोजेक्ट लेते हैं, फाइल में जाके न्यू, नो मैंने सेव नहीं करना इसको, तो शुरू से बनाएंगे। तो बच्चों, स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो स्प्राइट आप देख रहे हो, कैट देख रहे हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कोई और करेक्टर ले सकते हैं आप अपनी गेम के अंदर। और इसको बनाना कैसे है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, जो आप प्रोग्राम करोगे वैसे ही स्प्राइट परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बैकग्राउंड पे वो मेज़ चाहिए, मेज़ के लिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इंटरनेट से, तो उसको बस मैंने यहाँ पे लेके आना। आप भी इंटरनेट से मेज़ सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेज पर जाएंगे, स्टेज में जाके बैकग्राउंड, और इम्पोर्ट मैंने पहले से ही कर रखा है डेस्कटॉप पे, माई स्क्रैच प्रोजेक्ट के नाम से मैंने इसको फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये मेज़ मैंने पहले से डेस्कटॉप के अंदर, ये फोल्डर था मेरा, और इसके अंदर मैंने ये मेज़ पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये स्प्राइट जो है हमारा थोड़ा साइज़ में बड़ा है, तो इसको हमें रीसाइज़ करके छोटा बनाना है बच्चों। तो राइट क्लिक करके पहले तो रीसाइज़ स्प्राइट करके आप इसका साइज़, ये जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करके रीसाइज़ बटन क्लिक किया तो इसका ये हैंडल बन गया, जो कि रीसाइज़ करने के लिए, ये देखिए रीसाइज़ करने के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर दें ताकि ये फिट हो जाए। दोबारा से रीसाइज़ बटन पे क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे रख देना हमने। तो अब लिखते हैं हम स्क्रिप्ट, जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो करेंगे। हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाए। सबसे पहला टारगेट है जब हम क्लिक करें, तो क्लिक के लिए कंट्रोल में जाएंगे, व्हेन क्लिक्ड, सबसे पहला मेरा टारगेट है व्हेन क्लिक्ड। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, कीबोर्ड से मैं कीज़ प्रेस करनी है। आपको पता होगा कीबोर्ड पर तीन एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। मैं चाहता हूं अगर मैं अप की दबाऊं तो ये कैट अप मूव करे, डाउन की दबाऊं तो डाउन मूव करे, राइट की दबाऊं तो राइट की मूव करे, और लेफ़्ट की दबाऊं तो लेफ़्ट के डायरेक्शन में ये मूव करे। तो कीप इन माइंड, सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, व्हेन क्लिक्ड, जब मैं इस फ्लैग पे क्लिक करूं। तो मैंने कंट्रोल से ये वाला ब्लॉक ले लिया, व्हेन क्लिक्ड। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है इफ़, जब मैं लेफ़्ट की प्रेस करूं तो ये जो कैट है लेफ़्ट को मूव करे। तो सबसे पहले तो हमने पहले तो फॉर एवर ले लीजिए आप, फॉर एवर मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा फॉर एवर। उसके अंदर मैं चाहता हूँ इफ़ ले लिया मैंने यहाँ से, और इफ़ मेरा है क्या टारगेट कि जब मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँ, सेंसिंग में जाइए और की प्रेस्ड ये ले लीजिए, इसको फिट कर दो यहाँ पे, क्या हो लेफ़्ट एरो, जब मैं लेफ़्ट एरो प्रेस करूँ तो क्या हो, मोशन हो, बिल्ली मूव करे बैक। मोशन में जाके एक मिनट, आपने इसको कैट को क्लिक करना है दोबारा से, पहले कैस्क अपने अपने करेक्टर को क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रिप्ट बनानी है। तो सबसे पहले तो आपका सेंसिंग ब्लॉक था, कंट्रोल ब्लॉक था कि आपने जब क्लिक करना है, और उसके बाद आपका फॉर एवर जो प्रोसेस है आपका फॉर एवर रहे हमेशा के लिए, उसके बाद इफ़, और उसके बाद सेंसिंग ब्लॉक में जब हम की प्रेस करें, जब मैं की प्रेस करूं, कौन सी की प्रेस करूं, लेफ़्ट एरो राइट एरो की प्रेस करूं तो राइट हैंड साइड को चार स्टेप आगे को मूव करे। तो मोशन में जाके आप मूव ले लीजिए, देखो वर्टिकल मूवमेंट एक्स मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट और सॉरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एक्स मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वाई मूवमेंट होती है वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहता हूँ राइट एरो से, तो x चेंज x बाय स्टेप 10 मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। तो मैं राइट एरो से क्लिक करूँगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस फ्लैग के ऊपर
उसके बाद राइट एरो की प्रेस करूँगा तो ये जो कैट है आगे को मूव कर रही है, लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो बैक नहीं आ रही है क्योंकि बैक के लिए प्रोग्रामिंग नहीं किया, और बहुत फास्ट कर रही है, एक बार प्रेस करने से 10 स्टेप जा रही है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। दोबारा से क्लिक करोगे आप तो अभी इसकी जो मूवमेंट है स्लो हो गई है, अब ये 4 स्टेप जा रही है एक बार प्रेस करने से। तो अभी यहाँ पे रख के अगर मैं इसको आगे को मूव कर रहा हूँ तो 4 स्टेप जा रही है एक बार प्रेस करने से। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये जा रही है आगे को जा रही है, देखो अब सीधी जा रही है, मैं चाहता हूँ इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जब ये जाए। तो कॉस्ट्यूम चेंज मतलब नहीं ऐसे लगे कि ये वॉक करती जा रही है, तो इसके लिए आप लुक्स में जाके इसका ना कॉस्ट्यूम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आ जाए साथ में, इसको क्लिक कर। अब देखो आप ऐसे लग रहा है जैसे वॉक करती हुई जा रही है, तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आपने 4 स्टेप आ गए। और मैं चाहता हूँ अगर लेफ्ट एरो की दबाऊँ तो बैक आए, अभी बैक आ नहीं रही है क्योंकि मैं लेफ्ट एरो की दबा भी रहा हूँ कीबोर्ड से, तो बैक नहीं आ रही है बिल्ली, ये कैट वापस नहीं आ रही है। तो इसके लिए 4 स्टेप माइनस नहीं हो रहे हैं इसकी, तो इसके लिए मुझे दोबारा से लगाना होगा। कंट्रोल में जाएंगे आप, दोबारा से ब्लॉक लगाएंगे आप यहाँ पे इसके नीचे, अब फॉर एवर के अंदर ही फिट करना है, और ये ध्यान रहे कि ये फॉर एवर के अंदर ही फिट हो। दोबारा से आप सेंसिंग में जाएंगे, की प्रेस्ड, अब हमारा टारगेट है लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो से ये चेंज 4 स्टेप पीछे को आए मोशन में, एक्स एक्सिस में 4 स्टेप इसके माइनस हो जाएं, -4, तो 4 स्टेप पीछे हो जाएगी। और साथ में अभी रन करके देखते हैं, जब आगे को जा रही है तो मूव करते हुए जा रही है कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए, लेकिन वापस आ रही है तो कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए नहीं आ रही है। तो इसके लिए दोबारा से मैं सेंसिंग ब्लॉक में जाके इसका कॉस्ट्यूम दोबारा से लुक्स में जाके, लुक्स ब्लॉक में जाके कॉस्ट्यूम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम दोबारा से यहाँ पे फिट कर देना आपने। अब देखिए बाइक भी आ रही है तो कॉस्ट्यूम चेंज करते, अप एंड डाउन नहीं हो रही है, तो अप एंड डाउन के लिए फिर से हमें इसको जाना है सेंसिंग ब्लॉक्स में, कंट्रोल ब्लॉक में इफ़ लगाएंगे आप इफ़। अब हमारी जो मूवमेंट है इफ़ इसके अंदर नहीं लगाना आपने, फॉर एवर के अंदर लगाना है यहाँ पे। तो अब हमारी मूवमेंट है वर्टिकल है, तो उसके लिए वाई एक्सेस होगा मोशन में, मोशन में जाके वाई एक्सेस लेंगे आप, चेंज वाई, सॉरी चेंज वाई, चेंज वाई यहाँ पे लगाना आपने 4 स्टेप। कब? जब ये सेंसिंग ब्लॉक्स पे आप की प्रेस करो अप एरो प्रेस करोगे, आप अप एरो की प्रेस करोगे तो अपवर्ड वर्टिकली ऊपर जाएगी 4 स्टेप, और कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए। अभी आप क्लिक करते हैं, ये ऊपर जा रही है लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज नहीं हो रहे हैं इसके, तो इसके लिए आपको मोशन में लुक्स में जाके इसका कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम भी हो साथ में। उसके बाद डाउन एरो की दबाने के लिए नीचे आए 4 स्टेप माइनस हो जाएं, इसके लिए फिर आपसे इफ़ लगाना है, कंट्रोल स्टेट में जाके इफ़ लगा के आपने इसको फिर से इसके अंदर लगाना है फॉर एवर के अंदर से। आप फिर से आपने यहाँ से कंट्रोल सेंसिंग ब्लॉक्स में पेन की प्रेस्ड डाउन एरो, तो फिर से मोशन में चेंज वाई 4 स्टेप, -4 कर देते हैं, 4 स्टेप पर नीचे आ जाएगी। और इसका भी कॉस्ट्यूम चेंज का नाम ने सेंसिंग में नहीं, ये लुक्स में होएगा कॉस्ट्यूम चेंज, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यहाँ पे आपने लगा दिया। देखिए डाउन जा रही है, ऊपर जा रही है और आगे जा रही है, बट मैं चाहता हूँ कि जब ये ब्लैक लाइंस को कलेक्ट सेलेक्ट करे तो ये मूव ना करे, मतलब अगर मैं 4 स्टेप आगे जा रहा हूँ उतने ही 4 स्टेप इसके माइनस हो जाएं, लाइन को टच करते ही वे ज़ीरो हो जाए इसके स्टेप, आगे ना जाए। अगर राइट एरो दबा रहा हूँ, लेफ्ट एरो पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे जितने स्टेप बैक जाने थे टच करते ही उतने स्टेप प्लस हो जाएं और ये ज़ीरो बन जाएं। तो ये हमारा टारगेट है, अब हमारा ये टारगेट अभी तक सही है, बाकी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जो आपकी कैट ना ब्लैक लाइन को टच करके रुक नहीं रही है अभी, तो उसके लिए हमें क्या करना है,
दोबारा से इफ लगाएंगे हम सेंसिंग ब्लॉक में, कंट्रोल ब्लॉक में जाके दोबारा से इफ लगा दूँ यहाँ पे इसके अंदर। देखो अगर राइट एरो की दबा रहे हैं चार स्टेप तो आगे जाएगी कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए, उसके बाद अगर ये ब्लैक कलर को टच कर दे जो स्टेप इसके चार आगे जाने हैं साथ के साथ चार माइनस हो जाएं और वो वहीं रुक जाए, तो हमारा टारगेट आगे सेंसिंग में है कि जब ये कलर को टच करे, इफ़ इट टच यहाँ पे क्लिक करोगे कौन सा कलर, ये वाला ब्लैक कलर टच करे तो मोशन में जाके चेंज वाई चेंज एक्स बाय माइनस फोर, मतलब जितने इसके चार स्टेप आगे थे उतने ही इसके चार स्टेप माइनस हो जाएंगे, और साथ में इसने कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आपने इसमें फिट कर देना है। अब देखिए राइट एरो की दबा रहे हैं आप, जब ये ब्लैक लाइन को टच कर जाएगी तो जितने इसके स्टेप आगे हैं उतने ही इसके माइनस हो रहे हैं चार के चार, और जिसकी वजह से ये आगे नहीं मूव कर रही है, और वहीं पे इसका चार के चार स्टेप माइनस हो जाते हैं साथ के साथ ही यहीं पे रुक जाते हैं, इतने चार स्टेप इसके आ गए हैं उतने चार के चार स्टेप इसके माइनस हो रहे हैं साथ के साथ ही जब ये इसको क्लिक कर रही है, तो उसकी वजह से ये मूव नहीं करेगी। तो सिमिलरली आपने इस पे लगा देने हैं, इसके चार स्टेप प्लस हैं, इसको डुप्लीकेट बना देते हैं, इसका ऐसे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं आप, और इसमें इसमें कॉस्ट्यूम नहीं चेंज किया हमने, ये तो है ये कॉस्ट्यूम था यहाँ पे, और इसके अंदर आपने ये वाला फिट करना है, इसके चार स्टेप प्लस हो जाएंगे साथ के साथ। तो अगर बैक जा रहे हैं हम, एक मिनट स्टॉप करके, बैक जा रहे हैं तो जैसे ही लाइन को टच करेगी वो रुक जाती है, वहीं से माइनस हो जाते हैं इसके साथ के साथ चार स्टेप इसके माइनस हो जाएंगे कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए, चार स्टेप प्लस हैं साथ के साथ चार स्टेप इसके माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही वर्टिकल में भी लगा सकते हैं हम सिमिलरली, फिर से आप कंट्रोल में जाके इफ वर्टिकल में यहाँ पे, और अगर सेंसिंग में जाके टच करता है कलर, कौन सा कलर टच होता है, ये वाला ब्लैक, तो क्या हो जितने स्टेप अप जाने हैं उतने ही साथ के साथ माइनस हो जाएं, तो मोशन में चेंज वाई वाई है, जितने स्टेप चार प्लस हैं उसके साथ ही चार स्टेप इसके माइनस हो जाएं, मतलब ये ज़ीरो हो जाएं आपके माइनस चार, और इसमें ये आपने कॉस्ट्यूम सिमिलरली इसके लिए इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पे फिट कर देते हैं इसके अंदर, और इसका प्लस करेंगे, इसका रिवर्स करना है, जो जिसका फोर है प्लस माइनस का उसका प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना है, रिवर्स करना है कि जैसे ही लाइन को टच करे उसके वो रिवर्स हो जाएं। अब आप देख रहे हो रन करेंगे हम और बैक कर रहे हैं, जब नीचे जा रहे हैं तो जैसे ही लाइन को टच कर रहे हैं आप वहाँ पे रुक जाती है ये, वैसे ही रुकने की वजह से इसके ना चेंज कॉस्ट्यूम नीचे वाले जो रिवर्स करने वाले हैं ना उसके चेंज कॉस्ट्यूम हटा दो, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो देखिए जाने की कोशिश कर ली लेकिन साथ के साथ इसके जो माइनस हो जा रहे हैं वहीं पर टच पर रुक जाती है। तो ये हमारा इसका टारगेट है कैसल, यहाँ पर हम कैसल लेके आएंगे, एक नया स्प्राइट ले लेते हैं यहाँ से, कैसल हाँ यहाँ से आप कैसल चूज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आएगी कैसल की, ये वाला ये हमारा टारगेट है, बहुत बड़ा है, इसको राइट क्लिक करके रीसाइज कर देंगे, रीसाइज का हैंडल आ गया, इससे आप इसको रीसाइज करके यहाँ पे फिट कर देते हैं, ये इसका टारगेट है। और दोबारा से स्क्रिप्ट में जाएंगे, इसकी स्क्रिप्ट में तो ये टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ इस कैसल को टच करे, टच करते ही ये बोले कि मैं पहुँच गई, तो अब हमारे लास्ट में एक फिर से लगाना है इफ, कंट्रोल में जाके इफ इफ फिर से सेंसिंग टच कलर,
टच कलर दिस ये टच कलर कौन सा कलर टच करे ये टच कलर करती क्या कहे बोले बोलने के लिए आया इसमें लुक्स में आया स्पीक आउट के लिए से 2 सेकंड के लिए ये कहे क्या कहे हुर्रा आई एम रीच्ड तो रन करते हैं इसको चला के देखते हैं तो अभी तो भड़क रही है रास्ता रास्ता ढूंढना ही मुश्किल है इसके लिए तो ऐसे पहुंचेगी अपनी मंजिल पे और मंजिल पे पहुंचते ही ये खुशी का इजहार करेगी कि मैं पहुंच गई हूँ और सेफली ये देखिए पहुंच गई मैसेज दे रही है हुर्रा आई एम रीच्ड यस बच्चों जैसे ये पहुंच गई तो मैसेज दे रही है कि मैं पहुंच गई और खुशी का इजहार कर रही है अगर हम थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं इसको रीसाइज करके इसको थोड़ा सा खिला पिला के बड़ा कर देते हैं दोबारा से रन करने की कोशिश करेंगे तो ये फंसेगी नहीं बीच में क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया है ये मोटी हो गई है बिल्ली तो मतलब लाइन को ब्लैक लाइन को टच कर रही है अब हमने कहा है कि जब ब्लैक लाइन को टच करने हैं तो उसने मूवमेंट नहीं करनी है तो हमने जो प्रोग्राम किया है यहाँ पे तो ये प्रोग्राम करके देखना बच्चों आपने ट्राई करके देखना होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू और इसको ट्राई करके देखना थैंक यू बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी एक अच्छी सी गेम बनाएंगे।